निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3, हाउसेज अराउंड अस। वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज। टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ हाउसेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए होम एंड ए हाउस? होम और घर में, होम मीन्स घर, हाउस मीन्स मकान। होम और हाउस में क्या फर्क होता है? होम जो है जहां पर हम लोग रहते हैं हमारी फैमिली के साथ, उसको होम बोलते हैं। हाउस एक सिर्फ मकान होता है, खाली मकान जो ईंटों से बना हुआ होता है, वो खाली जो मकान होता है उसको हाउस बोलते हैं। और जब हम अपनी फैमिली के साथ उसमें रहने लग जाते हैं तो वो घर बन जाता है। ए हाउस इज जस्ट ए बिल्डिंग। हाउस एक सिर्फ बिल्डिंग होती है। वेयर से होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली एंड फील कम्फर्टेबल। जबकि होम एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। अलग अलग टाइप्स के हाउसेज होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा दे प्रोटेक्ट अस। जो घर होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं। किस किस से? हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंड, रेन, बारिश, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, इन सभी से हमारी सुरक्षा करते हैं घर। हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड देम। घर को बनाने में अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज किया जाता है और अलग अलग टाइप के घर होते हैं। क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है? ब्रिक्स, ईंटे, सीमेंट, आयरन, लोहा, स्टील आर यूज टू बिल्ड पक्का हाउस। जब हम पक्का घर बनाते हैं तो ये सारी चीजें यूज होती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील। एन अपार्टमेंट इज ए हाउस यूनिट दैट ऑक्यूपाइज ओनली पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। पहला है हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेज में पक्का हाउस, और पक्का हाउस के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में फर्स्ट है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट देखो, ये बिल्डिंग जो दिखाई हुई है आपकी, इसमें ये होता है कि इस बिल्डिंग में अलग फैमिली रहती है, इस बिल्डिंग में अलग फैमिली रहती है, इस टाइप से ये जो बिल्डिंग है इनके ये पार्ट होते हैं। मतलब पूरा जो ये अपार्टमेंट है वो किसी एक का नहीं होता, हर एक पार्ट में अलग अलग जगह के अलग अलग लोग रहते हैं। मतलब ये किसी एक ने खरीद लिया, ये किसी एक ने खरीद लिया, इस टाइप से। तो ये हो गया अपार्टमेंट, इसमें यूनिट बनी होती है अलग अलग। बंगलो क्या होता है? जो आपको पिक्चर में शो हो रहा है ये है बंगलो, इज ए लो हाउस। ये इतना लंबा ऊंचा नहीं होता ये इतनी बिल्डिंग, ये लो हाउस होता है, थोड़ा सा नीचा होता है। हैविंग ए सिंगल स्टोरी और इन सम केसेस फ्यू रूम्स आर सेट इन द रूफ। मतलब ये सिंगल स्टोरी होता है, मतलब नीचे नीचे और बड़ा सा बना हुआ होता है, कई रूम का सेट होता है, एक ही घर होता है ये। और कई बार फर्स्ट फ्लोर पर भी एक आधे कमरे बना दिए जाते हैं, अदरवाइज नीचे नीचे ही बनाए जाते हैं कई सारे रूम्स। इट मे और मे नॉट हैव ए लॉन इन फ्रंट ऑफ इट। इसके सामने लॉन होता है, जो ये बगीचा टाइप होता है वो हो भी सकता है और कई बार नहीं भी होता। तो ये हो गया बंगलो। मड स्ट्रॉ, मड होती है गिली मिट्टी, स्ट्रॉ जो ये घास फूस वगैरह होते हैं, वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, बेम्बू जो गोल गोल लकड़ी के पाइप से होते हैं वो होते हैं। यूज टू मेक कच्चा हाउस। पक्का हाउस के एग्जाम्पल हो गया अपार्टमेंट, बंगलो, और कच्चा हाउस का एग्जाम्पल हो गया हट। हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। तो हट तो आप सभी को पता है, दिस इज हट। ये बेम्बू होते हैं, ये जो इसने दरवाजा बनाया हुआ है इनको बेम्बू बोलते हैं। तो इसमें ये सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं, ये पक्का हाउस है, ये कच्चा हाउस है, तो सारे कच्चा या पक्का हाउस ये किसके एग्जांपल हैं? ये हैं परमानेंट हाउसेज के। मतलब इन हाउसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते, ये जहां पर बन गए वहां पर फिक्स है। पक्का एंड कच्चा हाउसेज आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड से फिक्स होते हैं एंड कैन नॉट बी मूव्ड, और इनको मूव नहीं किया जा सकता। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज, इनको परमानेंट हाउस बोलते हैं। हट्स, बंगलो, अपार्टमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस, ये इनके एग्जाम्पल हैं।
सम पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रह सकते. जैसे ये तो बिल्डिंग बन गई यहां पर, ये किसी ने खरीद लिया तो वो यहीं पर रहेगा अब हमेशा. हट जिसने बनाई है वो अपनी हट में ही हमेशा रहेगा, बंगलो में हमेशा उसी में रहेगा. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जगह नहीं रह सकते, कुछ महीने या कुछ साल एक जगह रह के फिर वो उनको मूव करना होता है दूसरी जगह पर. तो दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको मूव करना पड़ता है, मूव करते रहते हैं वो. दे लिव इन टेम्परेरी हाउसेस, तो वो उनको मूव करना है तो वो इतना इतना पैसा खर्च करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको बार बार अपना घर बदलने की जरूरत पड़ती है. तो वो उनके लिए कैसे हाउसेस होते हैं, टेम्परेरी हाउसेस, जैसे कि टेंट, कारावेंस, हाउस बोट्स, ये होते हैं टेम्परेरी हाउस के एग्जाम्पल. तो फर्स्ट है टेंट. ए टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, ये होता है कैनवास होता है एक टाइप का मोटा सा जो कपड़ा होता है ना, जो आर्मी पर्सन होते हैं फौज में जो होते हैं वो इस हाउस का यूज करते हैं. जैसे कहीं पर उनको कुछ समय के लिए जाना पड़ता है तो वो इस टाइप के हाउसेज में रहते हैं, और फिर इसको मतलब फोल्ड कर दिया जाता है वापस आते टाइम. तो ये टेम्परेरी हाउस हो गया, मतलब हमेशा नहीं रहते इसमें. और जो ये आपने देखे होंगे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं, ये भी इसी टाइप से घर बनाते हैं. तो ये कुछ महीने या कुछ समय के लिए वहां पर रहते हैं, फिर वहां से वो और कहीं पर मूव कर जाते हैं. तो ये मोटा सा जो कपड़ा होता है ये होता है. ए हाउस बोट इज मेड ऑफ वुड एंड फ्लोट्स इन रिवर रिवर्स एंड लेक्स. हाउस बोट, हाउस बोट क्या होती है, जो पानी में चलती है, पानी में चलने वाला जो घर होता है उसको हाउस बोट बोलते हैं. ये लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी पानी पर तैरती है. और ये नदियों या झील, झील होती है ना, तालाब, जैसे तालाब होता है उससे और बड़ी साइज की जो होती है उसको झील बोलते हैं. तो झील में या नदियों पर ये घर होते हैं. तो ये पानी में मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. नेक्स्ट है ए कारावेन इज ए हाउस ऑफ व्हील्स, ये पहियों पर घर होता है. लुक्स लाइक ए वैन, और एक तरह की वैन दिखाई देती है, मतलब इसके अंदर किचन वगैरह सब कुछ होता है, बेडरूम इसके अंदर पूरा घर होता है. और जैसे ये एक टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं, फिर ये कुछ समय के बाद यहां से मूव कर जाते हैं. तो ये सारे क्या हो गए, टेम्परेरी हाउस के एग्जाम्पल्स. देर आर स्पेशल हाउसेज बिल्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. कुछ घर ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, बनाए जाते हैं कि वहां की जलवायु, वहां का वातावरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. इन कोल्ड रीजन, ठंडे जो प्रदेश होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है, पीपल बिल्ड डोम शेप हाउस. डोम शेप होती है ऐसे ऐसे राउंड, हाफ राउंड होता है, मतलब इस टाइप की होती है. यूजिंग स्नो ब्लॉक्स, स्नो के जो ये ब्लॉक्स होते हैं इनका यूज किया जाता है उनको बनाने में, बर्फ के जो ये टुकड़े होते हैं. दीज आर नोन एज इग्लूज, इन घर को क्या बोलते हैं, इग्लूज. ये ठंडे प्रदेशों में बर्फ से बनाया जाता है ये घर, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है तो ये बर्फ पिघलती नहीं है. इन हैवी रेनफॉल रीजंस पीपल बिल्ड देयर हाउसेज हायर फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग बैम्बू पोल्स. दीज आर नोन एज स्टिल्ट हाउसेज. ये घर कैसे होते हैं, जैसे मान लो कहीं पर कीचड़, दलदल या पानी नीचे होता है ना, तो वहां पर ये बेम्बू गाड़ दिए जाते हैं पहले नीचे, और उसके ऊपर घर बनाया जाता है, ताकि नीचे जो है या तो जंगली जानवरों का डर होता है या कीचड़ वगैरह पानी होता है या कुछ, तो वो घर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर फिर बनाया जाता है. इसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस. जहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है वहां पर ये घर बनाए जाते हैं. हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर. तो नेम वन मोर प्लेस इन इंडिया वेयर यू कैन फाइंड हाउस बोट्स. इसने बोला है कि हाउस बोट जो है वो कश्मीर में पाई जाती हैं. एक जगह और बताओ जहां पर हाउस बोट पाई जाती है, शायद केरला में पाई जाती हैं हाउस बोट्स. और क्वेश्चन सर हम नोटबुक में करेंगे, यहां पर फिलअप है. ए टेंट इज ए डैश हाउस. टेंट पता है सबको, टेम्परेरी हाउस है. डैश आर बिल्ड इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन अभी अभी बताया ना हमने, इग्लू.
कोल्ड रीजन में कौन सा घर बनाते हैं? इग्लू। ए डैश इज हाउस ऑन व्हील्स, पहियों पर। पहियों पर कौन सा घर होता है? कारावैन। ए हाउस बोट इज मेड ऑफ, हाउस बोट किससे बनती है? लकड़ी से, वुड। नेक्स्ट आपका रूफ ऑफ ए हाउस, रूफ होती है छत। ए रूफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाउस, छत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है घर का। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टे एनिमल्स एंड वेदर, जो छत होती है वो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और जंगली जानवरों से बचाती है। अगर छत नहीं हो तो हमें इनसे सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो छत का होना बहुत ही जरूरी है। अभी देखो छत की कौन कौन सी टाइप होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो देखो ये फ्लैट होती है, जैसे हमारे घर हैं सबके, ये वहां पर पाई जाती है, जैसे हम लोग जहां पर रहते हैं प्लेन एरिया में, तो ये फ्लैट रूफ होती है। हाउसेस दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन प्लेन्स, प्लेन एरिया में, जैसे मतलब एक तो पहाड़ी एरिया हो गया, ठीक है, तो हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, तो वहां पर ये फ्लैट रूफ्स होती हैं, प्लेन छत ऐसे सीधी। इट इन हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होगी तो वो ऐसे स्लैंटिंग या स्लोपिंग बोलते हैं, स्लैंटिंग में मतलब मान लो बारिश ज्यादा हो रही है तो वो पानी छत पर ना रुक कर नीचे गिरता रहता है, नहीं तो बहुत सारा पानी छत पर इकट्ठा हो जाएगा। दे अलाउ रेन वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन इजिली, आसानी से पानी को नीचे गिरा देती है, तो पहाड़ी एरियों में इस टाइप की छत होती है। इन पोलर रीजन, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, पीपल लिव्स इन इग्लूज, इग्लू में रहते हैं। इन इग्लू हैज ए राउंड और आर्च्ड रूफ, इट इज जनरली इन द शेप ऑफ ए डोम, मैंने बताया ना जैसे हाफ सर्कल होता है उस शेप में होती हैं ये, तो ये जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर इस टाइप की रूफ पाई जाती है। ए क्लीन होम, साफ सुथरा घर, घर की जो क्लीनिंग है वो भी बहुत जरूरी है। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग सिक, हमें अपने घर की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हम बीमार ना हो सके। हेयर आर सम वेज टू कीप आवर हाउस क्लीन, अलग अलग तरीके हैं हमारे घर को साफ करने के लिए। क्लीन योर हाउस रेगुलरली, हमें अपना घर जो है वो लगातार साफ करना चाहिए। थ्रो गार्बेज इन ए डस्टबिन, जो कूड़ा है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, गार्बेज कूड़ा, डस्टबिन कूड़ादान, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। वॉश यूटेंसिल्स होते हैं, जो झूठे बर्तन होते हैं उनको धोना चाहिए आफ्टर यूज, यूज करने के बाद। टू अवॉइड फ्लाइज एंड कॉकरोचेज, जो मक्खियां या कॉकरोच होते हैं उनसे बचने के लिए हमें इनको यूज करने के तुरंत बाद धो देना चाहिए। ग्रो प्लांट्स नियर योर हाउस, अपने हाउस के आसपास पौधे उगाने चाहिए ताकि जो हवा है वो शुद्ध रह सके। ए डोम शेप हाउस इज सो वेल बैलेंस्ड एंड सेल्फ सपोर्टिंग दैट इट कैन सेव प्रॉब्लम फ्रॉम हरिकेन्स एंड अर्थक्वेक्स, ये जो डोम शेप का जैसे वो था ना इग्लू, तो वो हमें ये होते है ना जो तूफान या इन चीजों से हमारी सुरक्षा करते हैं, भूकंप वगैरह से। फ्लैट रूफ कहां पर होती है? फ्लैट बिल्कुल जो सीधी छत होती है वो प्लेन एरिया में। स्लैंटिंग जहां पर बारिश ज्यादा होती है, रेनी एरिया। आर्च्ड रूफ जहां पर बर्फ गिरती है। स्लोपिंग जहां पर जो हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया वहां पर होती है। सो रीड दिस चैप्टर एंड डू एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।